खबर, शादीशुदा शख्स ने लिव इन पार्टनर की हत्या। यह घटना दिल्ली की दर्शाई जाती है, जहां दिल्ली पुलिस ने 32 साल के शादीशुदा शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने अपनी 28 साल की लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी और लाश को दफनाने के लिए यूपी के बिजनौर ले गया। आरोपी दिल्ली में कारपेंटरी का काम करता है। वह पहले से शादीशुदा है और 3 बच्चे भी है। उसने पुलिस को बताया है कि उसकी लिव इन पार्टनर भी शादीशुदा थी। वह शादी का दबाव डाल रही थी, इसलिए गुस्से में आकर उसने हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पत्नी और लिव इन पार्टनर एक ही इलाके में रहते थे। दोनों महिलाओं के बीच आए दिन इस बात को लेकर झगड़ा होता था कि यह शख्स किसके साथ रहेगा। बीती 22 जनवरी को इस बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ तो आरोपी ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने लाश को कपड़े में लपेटा और नाले में बहाने की कोशिश की, पर गणतंत्र दिन के चलते भारी सुरक्षा होने की वजह से